टैक्सला में दो लड़कियों की शादी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की। लाहौर से गिरफ्तार दुल्हन नया अली को पेश किया गया। पुलिस ने बताया अली आकाश की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। लड़की नेहा अली ने तालीम जारी और पायलट बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तहफ्फुज़ देना अदालत की जिम्मेदारी है। लड़की के वकील ने बोलने की कोशिश की तो फाजल अदालत ने मना कर दिया और रिमार्क्स दिए। मुल्क के सोशल सेक्टर को तबाह कर दिया गया। जज का कोई मजहब मसलक और बरादरी नहीं होती। जज ने रियासत के दस्तूर के तहत फैसला करना होता है। मेरी तो रूह भी कांप उठी है। इसके माँ बाप का पता नहीं क्या हाल होगा। निकाहनामा बयान अल्फी और वकालतनामा पर दस्तखत भी मुख्तलिफ हैं। अदालत ने अली आकाश की अदम हाजिरी पर नाम ECL में डालने, नादरा को मुलजम का शिनाख्ती कार्ड फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रहेंगे। अदालत ने लड़की नेहा अली को इंचार्ज दारुल अमान रावलपिंडी के हवाले करते हुए हदायत दी कि लड़की दारुल अमान से बाहर ना जाए, ना ही किसी से मुलाकात करे। समाअत दो हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी गई।